या यू कैन से सेम क्वालिटी बट बाकी चीजें उसकी बदल के हमने उसे रीइंट्रोड्यूस किया नए मार्केट में बैकवर्ड. वी आर गोइंग या जस्ट से एन एग्जांपल, यहां पे ये प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे जब अपन बना के बेच रहे थे इट वाज कॉस्टिंग अस 50 रुपीज और हम इसे मार्केट में बेचते थे 30 का. सो वी वर अर्निंग 50 रुपीज प्रॉफिट ऑन ए सिंगल मार्कर, राइट. फॉरेन मार्केट जब गए, फॉरेन मार्केट में देखा कि वहां इसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट 12 आ रही है, राइट. तो इसके बाकी कुछ पैटर्न्स में इसके प्राइस को चेंज कर दिया. मान लीजिए वहां पे अपन अब कितना अगर 30 चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट कितना देगा फ्रम का 18 रुपीज, राइट. तो फ्रम इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड, दे आर कमिंग बैकवर्ड, दैट मींस दे आर डिक्रीजिंग इट या सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ बदल के काम कर रही है. लेट्स टेक द एग्जांपल अगेन. दो चीजें हैं, इन्वेंशन. इन्वेंशन मींस आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ टोटली न्यू प्रोडक्ट, राइट. टोटली न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हीरो होंडा 150 की बाइक, 150 सीसी की बाइक बनाता है, अब 200 सीसी की बाइक बनानी स्टार्ट कर दी. दैट मींस उसमें कुछ ना कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर में उसमें डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया. ये तो बना उसका, मतलब यू कैन से प्रोडक्ट अडेप्टेशन, राइट. इन्वेंशन क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ फ्रम ने बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है कि आज तक सिर्फ 150 बाइक की सीसी बाइक की बनाई थी, अब 350 बाइक तो मतलब सीसी का बाइक बनाना स्टार्ट कर दिया. इट इज माय फॉरवर्ड, आई एम गोइंग अब्रॉड इन अ न्यू मैनर, यू कैन से टेक्नोलॉजी अचीव कर रहा. बैकवर्ड मींस व्हाट हुआ, बैकवर्ड इन्वेंशन का मतलब हुआ गाइस कि मैं लेट्स से इंडिया में 150 बेच रहा था, इंडिया में मार्केट 150 का था, बट अदर मार्केट में जाके पता लगा कि 90 सीसी या 100 सीसी की बाइकें बिक रही हैं. सो जस्ट आई एम डिक्रीजिंग दैट, दिस इज माय बैकवर्ड, आई एम बैकिंग टू यू कैन से अगेन वेयर. सो अगर मैं सेम सी बात है, अगर 150 सीसी का इंजन डाल रहा था तो इट वॉज कॉस्टिंग मी हाई.